दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के मिनी ऑक्शन में काफी धमाके मचा चुकी है और रिसेंटली दोस्तों दिन था यहां पर टीम केकेआर की बुराई करने का, यानी क्या क्या नेगेटिव्स टीम केकेआर के लिए होते हैं मिनी ऑक्शन में, वो दिन पीछे बीत गया है। आज हम पॉजिटिव और बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार काफी बुराई के अंदर टीम केकेआर ने कुछ अच्छाई भी दिखाई है, सब कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लो। तो यार तो क्या बेनिफिट्स टीम केकेआर ने इस ऑक्शन में उठाए, तो यार ये बात आपने शायद नहीं सोची होगी दोस्तों, टीम केकेआर का जो पर्स मनी है वो सबसे बड़ा यहां पर प्लस पॉइंट है, साथ ही साथ जो स्लॉट है वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब वो आप बोलोगे कि इसके पीछे क्या कारण है, दोस्तों पर्स मनी ये अगले साल भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इसके लिए तो एक साल बाकी है, इस सीजन क्या यहां पर काम आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं टीम केकेआर के जो खाली पड़े हुए स्लॉट है वहां पर वो रिप्लेसमेंट बुला सकता है अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो इस तौर पर वो प्लेयर भी टीम की जो केकेआर है उनकी टीम में आ जाएगा और जो रिप्लेसमेंट है वो भी उसकी टीम में रहेगी और जो इंजर्ड है वो भी उसकी टीम में रहेगा, तो हुआ ना डबल फायदा। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर काफी बड़े बड़े नाम हैं जो अनसोल्ड गए हैं जिनको टीम केकेआर रिप्लेसमेंट के तौर पर यहां पर बुला सकता है और अपनी पर्स मनी का सही इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों अगर वो यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स टीम केकेआर के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो टीम केकेआर को कम पैसे में वो प्लेयर तो मिलेगा बट अगले सीजन के लिए वो टीम केकेआर के साथ ही बना रहेगा। तो यार ऑक्शन में टीम केकेआर ने बाइस तो काफी अच्छी की है, कुछ यहां पर दोस्तों कॉन्ट्रोवर्शियल बाइस जरूर रही हैं, बट यार दोस्तों इनफैक्ट हम बोले तो हमारी नजर में ये जो पर्स मनी और स्लॉट पिकिंग वाला एरिया है ये टीम केकेआर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ऑक्शन के अंदर है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर के लिए मिनी ऑक्शन कैसा रहा और उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट मिनी ऑक्शन में क्या था, नीचे कमेंट कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।